من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يضر مع اسمه ولا يعصي ولا يعطي الذي ليس لصفته شك محدود ولا نفق موجود ولا وقت معدود ولا أجل محدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته صلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا وعلى البنين جد الحسن والحسين أعاني والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المحصنين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا کوئی کام ہمارا کربلا کے بغیر نہ ہو
कोई फैसला हमारा करबला के मुताबिक ना हो, कोई दिन बगैर करबला के ना गुजरे। करबला और असर आशूर, यानी करबला में असर आशूर, यानी मजलूमियत का जलवा ताम और जुल्म का नुक्ता ज़वाल। जब जुल्म इंतहाई पस्ती में जाता है, इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता, और जब सब्र कमाल पर पहुंचता है तो वो असर आशूर है। बलासर याद के ऊपर बार ये कहकर सारे इंसानों को, इन्नल इंसान, सारे इंसानों को करबला से जोड़ दिया। मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये बहुत छोटी बात है, ये इंतहाई, मैं नीचे का लफ्ज भी इसके लिए छोटा है। बात इंसानियत की है, बात कदरों की है, बात तहजीब की है, बात अखलाकी अकदार की है। अगर मौला अली को नहीं माना गया तो ये अखलाकी कमजोरी थी। अगर आज भी मौला अली को नहीं माना जाता तो ये अखलाकी कमजोरी है। अगर अहले बैत की औलवियत अफजलियत को तस्लीम नहीं किया जाता तो ये अखलाकी कमजोरी है। खुद कुरान को अगर नहीं माना जाता तो ये अखलाकी कमजोरी है। उस जैसा ला भी नहीं सकते और उसे मानते भी नहीं हो तो इससे और ज्यादा अखलाकी जवाल क्या होगा। सरकार फरमा रहे इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, ये क्यों नहीं फरमा रहे कि मैं कुरान पढ़ाने के लिए आया हूं, ये क्यों नहीं फरमा रहे कि मैं कयामत समझाने आया हूं, ये क्यों नहीं फरमा रहे कि मैं अपना कलमा पढ़वाने आया हूं। आप अपनी सारी नबुवत और रिसालत की मेहनत को, सारी मशक्कत और हदफ वेसत को एक जुमले में फरमा रहे हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं अखलाकियात को कमाल देने के लिए, मैं अखलाकियात को उरूज देने के लिए मबूस किया गया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि अखलाकी कदरें कमाल पर पहुंचे। आप अपने इदारों पर गौर करें, आप अपने अंजुमनों, ट्रस्टों पर, अपने घरों में, जहां भी कोई झगड़ा, इख्तलाफ, तनाव, खिंचाव, मसाइल हैं, वो अखलाकी कमजोरी की वजह से। बात रोशन होती है, मानते नहीं है। हक बात होती है, तस्लीम नहीं करते। माकूल अंदाज से मामलात को लेकर नहीं चलते। अकलियात से दूर रहते हैं। ये सारे अखलाकी कमजोरियां हैं। ये क्यों? इन्नल इंसान, करबला के साथ इंसान को जोड़ा गया है। जुल्म और अदल का मसला, झूठ और सच का मसला, हक और बातिल का मसला, सब्र और इस्तराब का मसला, यह अखलाकी मसला है। जैसा सारे इंसान, और आप देखें आहिस्ता आहिस्ता माहौल उस तरफ जा रहा है, लोग हुसैन से करीब होते जा रहे हैं, मुसलसल इमाम हुसैन से मोहब्बत में इजाफा है। ये वाकई इस खुलूस के साथ कहे गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे कहलवाए गए, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, मुसलमान को नहीं।
सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद इंसान को बेदार तो होने ने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। मैं अपने मजमून को आज फजाइल के बाद में मुकम्मल करूंगा। इस अदा खाने की फजाइल मसाइल की इस अशरे की कल अमाल आशूरा का मुख्तसर सा इज्तिमा होता है और अमाल होते हैं और कल का दिन इंसानियत पर कयामत का दिन है। सबसे बड़े इंसान को इंतहाई बेदर्दी के साथ हमारा सबसे बड़े इंसान जिसे हम अपने पूरे शरे में इंसानी अकमल के नाम से याद कर रहे थे, इंसान कामिल भी नहीं इंसान अकमल, जो इंसान कामिल बनाता है, जो इंसानों को कामिल करता है। और आज अपने मजमून को इन वल असर कसम है असर आशूर की इंसान खसारे में। वल असर का वक्त, अब हम असर मुस्तफ़ा मुराद लें असर आशूर मुराद लें, ये दोनों मुरादें ठीक हैं, दोनों बात सही हैं। हमें उस दौर में बिलास मिला, हमें उस दौर में पलटाया जा रहा है, गोया हमें जोड़ा जा रहा है, वाबस्ता किया जा रहा है, हमें उस जमाने में बताया जा रहा है। अल्लाह चाहता यह है कि हम असर मुस्तफ़ा में चले जाएं, असर आशूर में चले जाएं। इस मजलिस में जितनी देर हो जाएगा, जितनी देर इस मजलिस में हम बैठे होते हैं, इतनी देर तक हम उस जमाने में पलट चुके हैं। कायद आजम से भी किसी ने पूछा था कि आप सुन्नी या शिया, तो उन्होंने फरमाया था मैं असर मुस्तफ़ा का मुसलमान हूँ। असर मुस्तफ़ा का मुसलमान मुसलमान बन जाए, असर आशूर का मुसलमान मुसलमान बन जाए, तो हमारे 85 मसले हल हैं। यानी तवस्सुल असर मुस्तफ़ा असर आशूर, यानी हमें एक इंसान कामिल से जोड़ा जा रहा है। वो जिससे हमें जोड़ा जा रहा है वो काबिलियत में, लायक होने में, अहल होने में दो बातों का उनवान नहीं है, मुसल्लम एक ही बात है, और वो ये कि उसका ताल्लुक वहां से भी और यहां से भी जुड़ा हुआ है। वो यहां से जुड़ा हुआ है बशरियत के उनवान से, वो वहां से जुड़ा हुआ है नूरानियत के उनवान से। जिन्होंने उनको वहां से यहां देखा उन्होंने उलूहियत का उनवान दिया, ये भी गुमराह, और जिन्होंने सिर्फ यहां से उन्हें देखा उन्होंने बशरियत का उनवान दिया, ये भी गुमराह। ये मुकस्सिर है वो गाली है। अल्लाह ना मुकस्सिरों को पसंद करता है, अहले बैत ना गालियों को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हमें हमारे मुताबिक मानो, जैसा हम तुम्हें कहते हैं ऐसा हमें मानो। लिहाजा ये नूरी बशर है, ये इंसान अकमल नूरी बशर है, इनका वहां से भी और यहां से भी ताल्लुक है। तवज्जो चाहूंगा, हजरत जकरिया, अब अपनी बात पे दलाइल देना चाहूंगा। हजरत जकरिया हजरत मरियम को बैतुल मुकद्दस में एक हुजरे में बंद करके चले गए, और एक दफा नहीं ये अक्सर किया करते थे जी। बेटियों को हिजाब में रखने का मतलब बेटियों पर अदम एतमाद नहीं है, बेटियों को हिजाब में रखने का मकसद बेटियों पर अदम एतमाद नहीं है, माहौल पर एतबार नहीं है। हजरत जकरिया उन्हें बंद करके गए, और जब आके तवज्जो, जब आकर हजरत
जकरिया ने कुल्लमा तखला अलैहा जकरिया अल महराब, जब हजरत जकरिया ने उस जगह को मेहराब के नाम से बुला लिया याद किया है, जहां उनकी इबादत की जगह थी, हजरत मरियम की इबादत की जगह, उस जगह को जब हजरत जकरिया ने खोला, और जब अच्छा कुल्लमा का लफ्ज है अरबी, कुल्लमा जब भी जकरिया उसे खोलते थे और हजरत मरियम के पास जाते थे, कुल्लमा तखला जकरिया अल महराब वजदा इंदहा रिज़्क़ुन, तो ताला लगा हुआ दरवाजा बंद मगर हजरत मरियम के सामने दस्तरखान बिछा हुआ होता था, हजरत मरियम के सामने। तवज्जो मेरी तरफ, एक सलवात पढ़ ले रहा हूं, सलवात पढ़े मोहम्मद एक और बेहतर सलवात, और बेहतर सलवात, जब देखा के वजदा इंतहा रिज़्क़ुन, हजरत मरियम के सामने दस्तरखान बिछा हुआ होता था, तो सवाल किया हजरत ज़करिया ने, या मरियम अन्ना लक हाज़ा, ये मरियम, ऐ मरियम ये कहां से आया, तो हजरत मरियम ने फरमाया हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ने भेजा है, यानी हम मादी दुनिया से कुछ तो बाहर आए, कि मुमकिन है कि मादी दुनिया में रूहानियत हाकिम हो, दुनिया मादी है मगर रिज़्क़ जन्नत से आ रहा है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये वो हस्तियां हैं जो रहते यहां हैं, खाते वहां का हैं, इनका यहां से और वहां से ताल्लुक, हमारा बस यहीं से ताल्लुक है, और हमें इनके साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है कि इनका वहां से भी ताल्लुक है, और जो वहां से रिस्क अपने लिए मंगवा सकते हैं वो हमारे यह अली मदद कहने पे हमें क्यों नहीं दे सकते। आज का असली मजमून आपके हाथ में आ गया, तवज्जो चाहूंगा, देखिए कुरान मजीद में दो आयतें हैं कि जो अल्लाह के, अल्लाह कहता है कि मैं इन्हें रिस्क देता हूं, कुछ एक तो सबके लिए, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई हिलने वाला नहीं है, कोई जुम्मंदा नहीं है, मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बहुत ज्यादा फजाइल का दौरानिया मुझे नहीं रखना आज मसाइब के दिन है, लेकिन मजमून एक हद तक ले जा रहा हूं, एक तो सबको, एक खास लोगों को रिस्क देने की भी उसने बात की है, एक जनरल बात, एक उमूमी बात, एक सबको रिस्क देने की बात, सबको वही रिस्क देता है। बस अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्या बात हुई कि आप कह रहे हैं अहले बैत को अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह खुद हमें भी रिस्क देता है, तो वो एक उमूमी ऐलान है सबको रिस्क देता है, और एक खास ऐलान है। खास ऐलान के साथ अगर आम ऐलान हो तो आम को समझना चाहिए कि हमें खास की वजह से मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं। एक मरतबा तो ये कि अल्लाह सबको रिस्क देता है, इसमें ना आपका नाम है ना मेरा नाम है, ना इराक वालों का नाम है या ना हिंदुस्तानियों का नाम है ना पाकिस्तानियों का जिक्र है, और एक मरतबा वो खास लोगों को रिस्क देने की बात कर रहा है। वला तहसबन्नल्लदीना कुतिलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता, खबरदार जो अल्लाह की राह में मर जाए, कत्ल कर दिए जाए, मकतूल हो जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो, नहीं अपने हाथों से दफनाया है, उसर दिया है,
कब्र में लेटा के इस्मा इफ़हम बोला है, कब्र के तख्ते लगाए हैं, बाद में खड़े होकर फातिहा पढ़ी है, अल्लाह कह रहा है उसे मुर्दा ना करो। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, मैयत ना कहो, बल अहयाउन, वो जिंदा है। तो ये क्या जिंदगी है, ये कैसी जिंदगी है? इसका मतलब है कि हमारी आंखें देखती कुछ है और होता कुछ है। हमने तो देखा कि उनको गुस्ल दिया गया, उन्हें कब्र के हवाले किया गया, मगर कुरान कह रहा है कि वो जिंदा है। अच्छा, उनके जिंदा होने के साथ उसने उनकी जिंदगी की एक दलील दी है, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून, वो अपने रब से, अपने रब के करीब, अपने रब की तरफ से रिस्क पाते हैं। यानी जिंदा को रिस्क चाहिए, यानी जो जिंदा होगा उसे रिस्क चाहिए, इसे मुर्दा ना करो, कहो ये जिंदा है, ये अपने रब से रिस्क लेता है। एक ही आयत, दूसरी आयत सूरह बकरा की इब्तिदा में, अलिफ लाम मीम तालिकल किताब ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब व युक़ीमून अस्सलात व यूतून अज़्ज़कात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। एक तो सबको कहा कि हम रिस्क लेते हैं, आम बात है, किसी का नाम नहीं लिया, यह नाम लिया था। कौन मुत्तकियों को अल्लाह रिस्क देता है? तो या अल्लाह क्या ना हंजारों को रिस्क नहीं देता? क्या किरदार के कमजोरों को नहीं? वो तो उसने कहा सबको देता हूं, लेकिन सबको देने के साथ उसने खास लोगों को रिस्क देने की, या वो शहीद को रिस्क देता है या वो मुत्तकियों को रिस्क देता है? कुरान मजीद में दो अलहदा नाम लिए गए हैं, या शहीद रिस्क पाता है अल्लाह से या मुत्तकी रिस्क पाता है। अब इन दोनों आयतों को भी जोड़िए, क्या शहादत से बढ़कर कोई तकवा है? शहीद सब कुछ अपना कुर्बान कर रहा है ना, शहीद सब कुछ अपना दे रहा है, इससे बढ़कर और तकवा क्या होगा? अल्लाह की खातिर जीना भी, अल्लाह की खातिर मरना भी, इससे बढ़कर तकवा? क्योंकि ये बात मेरे बच्चों के जहन में रहे कि शहादत हर एक को नहीं मिलती, हर गोली खाने वाला शहीद नहीं है, मजलूम जरूर है, मकतूल जरूर है, मगर हर गोली खाने वाला शहीद नहीं है। मजलूम बहरहाल आम मरने वाले से अफजल है, मकतूल आम मरने वाले से अफजल है, लेकिन शहीद, ये शहादत बगैर रियाजत के नसीब नहीं होती, चाहे वो रियाजत कुछ मुद्दत की हो, मगर रियाजत नतीजा देती है शहादत का। अब यहां अल्लाह शहीद को भी रिस्क देने की बात कर रहा है, मुत्तकी को भी। तो तकवा से बढ़कर, माफ कीजिएगा, शहादत से बढ़कर और तकवा क्या होगा? अब जब अल्लाह शहीद को यानी मुत्तकी को रिस्क देता है, वह मिम्मा रजक ना हो, और हम जो उन्हें रिस्क देते हैं, हमारी तरफ से जो उन्हें रिस्क मिलता है, युन्फिकून, वो बांट देते हैं। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले वाले, युन्फिकून यानी उन्हें अल्लाह रिस्क देता है और वो युन्फिकून, वो अल्लाह से लेते हैं और बांटते हैं। ये जो उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है, वह अंतुम लाता शऊरून भी तो है ना, जो अल्लाह की राह में मार दिए जाए, खबरदार तुम्हें उनकी हयात का शऊर नहीं है। वो वहां से लेते हैं और यहां देते हैं, और वसीला किसे कहा जाता है? सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो वहां से लेकर यहां दे रहे, वहां से लेकर यहां बांट दे, जो वहां से जुड़ा हुआ हो और यहां से जुड़ा हुआ हो, जिसका यहां से भी ताल्लुक हो और वहां से भी ताल्लुक हो। अच्छा, शहीद ऐसे तो शहीद होता नहीं है, शहीद का मकाम अल्लाह के नजदीक बुलंद है ही, इसलिए कि उसने रियाजत उठाई है। तो फिर वो भी ये भी जानते हैं कि किसको कितना देना है, ये तो उनका काम है ना, वो तय करेंगे किसको कितना देना है।
तो अगर अगर हम मौला अली से, आप बताइए कौन से इमाम शहीद नहीं है, कौन से इमाम जिन्हें जहर से या तलवार से नहीं मारा गया। ये पूरा घराना शहीदों का घराना। सरकारे दो जहां को शहादत का अंदाज अल्लाह ने नहीं दिया, उसका सबब था कि मुसलमान 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 ही ना रहते। अगर सरकार को मकतूल अल्लाह दुनिया से उठाता, शहीद अल्लाह दुनिया से उठाता, तो इस्लाम नहीं होता। ये तो मैं कोई नई बात कर रहा हूं। मैदान में जब सरकार के बारे में खबर आम हुई कि मार दिया गया नबी को, तो ये तो मैदान छोड़ के चले गए थे। मेरा तो कह दिया था, अब क्या फायदा इस्लाम का, अब क्या मतलब इस्लाम का, अब क्या मतलब पैगाम तौहीद का। ये सब पलट रहे थे। कुरान ने कहा कहां जा रहे हो, कुरान ने कहां जा रहे हो, मेरा नबी या रहलत कर जाए या मकतूल हो जाए, अल्लाह तो है। ठीक है, तो अगर सरकार दो जहां को शहीद कर दिया गया होता तो हालात कुछ और होते। जिसे मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि क्योंकि हर बाकमाल इंसान का इख्तिताम जिंदगी भी कमाल पर होता है। जो बाकमाल इंसान होता है उसकी जिंदगी का अंजाम और इख्तिताम भी कमाल पर होता है। सरकार से बढ़कर बाकमाल कौन होगा। तो सरकार का इख्तिताम जिंदगी भी कमाल पर यानी शहादत पर होना चाहिए था। अब क्योंकि शहादत और कत्ल और मजलूमाना अंदाज से हजरत इस दुनिया से नहीं गए, लिहाजा हसन और हुसैन की शहादत नबी की शहादत है। उन्होंने पूरी किताब लिख डाली शहादतैन के नाम से। फिर उन्होंने कहा कि शहादत दो तरह से मिलती है, शहीद दो तरह से होता है, या तलवार और खून से और कत्ल करके उसे मारा जाता है, यानी खून उसका बहाया जाता है, या जहर दिया जाता है। तो एक बेटे को जहर दिया गया ताकि शहादत का मफहूम मुकम्मल हो जाए, और नबी के एक बेटे को कत्ल किया गया। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों की शहादतों को मिलाकर नबी की शहादत तसव्वुर किया जाएगा। ये इमाम हसन को नहीं मारा है, नबी को मारा है। ये इमाम हुसैन को नहीं मारा है, नबी को मारा है। अजीब मंतिक है, यानी नबी की शहादत पर तबसरा और गुफ्तगू हो और शहीद करने वालों के बारे में बात ना करो। भाई कम से कम इसलिए ही बात कर लो कि उन आदतों को ना अपना ले पाए, उस मिजाज से परहेज रखा जाए। अब ये जो यहां से और वहां से रिस्क ले रहे हैं, अब इंदा रब्बिहिम युर्ज़कून मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून, लिहाजा ये तय है कि इन्हें वहां से मिलता है। अब जरा पलटिए उसी मिसाल की तरफ। हजरत मरियम की जब ये दास्तान नबी पर नाजिल हुई कि अल्लाह हजरत मरियम के लिए जन्नत से खान भेजता था, दस्तरखान लगता था, तो एक दिन फरमाने लगे मेरी सैयदा को यह मुकाम कब मिलेगा। मुंतजर थे नबी के सैयदा को यह मुकाम कब मिले कि मेरी सैयदा के लिए आसमान सिखाने आए। तो खैबर की फतह के मौके पर कतीफ़े खैबरी के नाम से इंतहाई महंगा लिबास, क्योंकि सबसे ज्यादा खिदमत मौला अली ने की थी, जंग जीती थी, तो कतीफ़े खैबरी के नाम से सबसे महंगा माल गनीमत में मिलने वाला लिबास मौला अली को दिया गया। सहाबाए किराम जब मदीना वापस पहुंचे तो सरकार से उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि अली के पास इस वक्त माल गनीमत के एतबार से दौलत बहुत है, हम सब खाना अली के खाएंगे। सरकार ने रिजायत का इजहार फरमाया और मौला अली के घर की तरफ रवाना हुए। उधर अली रस्ते में वो बांट आए, यानी खैबर से मदीने आते हुए अली मौला ने उस लिबास में जो कुछ लगा हुआ था, जो मोती मूंगे जो हीरे जवाहरात जो सोना लगा हुआ था, वो सब अली ने उस आबादी में उस फकीर को उस मरीज को अली ने सब दे दिया। अली घर कहां लेकर आए, मगर लोग कुछ खाना खाने चाह रहे हैं, मौला के दस्तरखान पे आना चाहते हैं। दरवाजे में दस्तक हुई, मेहमानों की तादाद है,
अली के चेहरे का इत्मीनान बता रहा है कि रिस्क कहीं और से मिलता है। अंदर जाके बताया, सैयदा सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। सैयदा घर पे मेहमान है, तुम्हारे बाबा नबी मुकर्रम सहाबा इकराम खाना खाने आए। बीबी ने फरमाया, या अली आप दस्तरखान का इंतजाम करें, इन्हें बिठाएं, इनके सामने दस्तरखान फैलाएं, और ये मेहमान जो है वो अल्लाह की रहमत है। ये कहकर मौला ने उनको उनके लिए पजीराई का इंतजाम किया, उन्हें उनका इस्तकबाल किया, और सरकार उस हुजरे में पहुंचे जहां सैयदा है। तो क्या देखते हैं कि सैयदा के सामने एक तवील मुफस्सल दस्तरखान बिछा हुआ है। उसे देखकर बेसाख्ता वही जुमला कहा जो हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम से कहा था, या ज़हरा अन्ना लके हाज़ा, ये कहां से आया है? ऐसे खाने जो जमीनी खाने नहीं है, ये कहां से आया है? फरमाया, बाबा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। सरकार ने सजदे में सर रख दिया। फरमाया, मैं इस मंजर का मुंतजर था कि कब अल्लाह मेरी सैयदा को वो दस्तरखान दे जो मरियम को देता था। और फिर सरकार ने, अब क्या हुस्न है, सरकार ने उस दस्तरखान की तरफ इशारा फरमाया, फरमाया हाज ही जुफनतुल लती। मैं इसके तर्जुमे से पहले एक जुमले का सहारा चाहूंगा। जब किसी ने इमाम अली रजा अलैहि सलाम को या साहेब अज़मान कहकर पुकारा, तो हजरत ने फरमाया, साहेब अज़मान तो वो है कि जिस पे जमाना असर ना करे, जिस पे सूरज असर ना करे, जिस पे हवाएं गर्मी सर्दी असर ना करे। मुझे नहीं देख रहे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। साहेब अज़मान हमारा मेहदी है जो आखिर में आएगा और उस पर जमाना असर नहीं करेगा। भाई जन्नत में हम खाना खाएंगे मगर उसके असरात मुरतब नहीं होंगे। ऐसा ही है, जन्नत के खाने हमारे ऊपर असर नहीं करेंगे। जन्नत के खाने हम वहां जाएंगे तो हम पे असर नहीं करेंगे, ये यहीं खाते हैं। अब इस जुमले को सुने, नबी मुकर्रम ने उस दस्तरखान की तरफ इशारा करके फरमाया, हाज ही जुफनतुल लती याकुलु मिनहा अल कायम, ये वो दस्तरखान है जिससे हमारा मेहदी खाना खाएगा। माना है मगर मैं एक मानी की तरफ तवज्जो चाहूंगा आपसे, वक्त तंग भी है और हम अपने मजमून को भी मुकम्मल कर रहे हैं। ये जो सरकार ने फरमाया, ये वो दस्तरखान है जिससे हमारा कायम खाना खाएगा। जब कायम खाना खाएगा तो जन्नत के खाने कायम खाएगा, और जन्नत के खाना खाने की वजह से उन पर जमाना असर नहीं करेगा। मुझे अब एक नतीजे का जुमला अर्ज करना है, और वो ये कि सारी तवज्जो, सारी दुनिया इमाम मेहदी की वजह से खाती है। सारी दुनिया, तवज्जो तवज्जो, सारी सारी दुनिया इमाम मेहदी की वजह से खाती है, और इमाम मेहदी सैयदा के दस्तरखान का खाते हैं। तसद्दुक़ इमाम ज़माना खाए, और इमाम ज़माना सैयदा के दस्तरखान से खाए। जिनके लिए जन्नत से खाने आ सकते हैं, उनके लिए करबला में बादल भी नहीं बरसा। यही आजमाइश है, यही इम्तहान है। अल्लाह का काम भी अल्लाह का है, हर एक से उसके मिजाज के मुताबिक इम्तहान लेता है। हजरत इब्राहिम के यहां मन्नत मुरादों से इस्माइल की विलादत हुई। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम का इम्तहान दिया कि इस्माइल के गले पे छुरी चला गई।
یہ امتحان حضرت ابراہیم کا ہے. حضرت یوسف پانی سے ابالتے تھے, بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. امیر المومنین کے ہاں غیرت کمال پر تھی. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا, تین دن تک کھانا نہیں کھایا. جب کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا, بابا سے تین دن تک کنیز مانگنے جاتی نہیں, کہے بغیر واپس آ جاتی تھی. اور ایک دن تیسرے دن نبی جب جناب زہرا کے آنے کے بعد آئے, پیچھے پیچھے آئے, آگے کہا فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو جناب فضا نے فرمایا یا رسول اللہ سیدہ کا ہاتھ دیکھیے. ہاتھ فرمایا بیٹا ہاتھ دکھاؤ. ہاتھ دیکھا تو ہاتھ چکی کی چوب سے زخمی تھا. ہاتھ زخمی ہے مگر مجھے اپنے حصے کا کام نہیں کرنے دیتی. جناب فضا نے فرمایا تو میں نے التجا کی, التماس کی, بار بار کہا کہ بابا سے کنیز مانگ لیجیے, مولا علی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. یہ زوجاؤں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے, اگرچہ اس پیغام کے ساتھ کہ شوہر حضرات گنجائش ہی نہ چھوڑیں کہ اسے کچھ مانگنا پڑے. کبھی کچھ نہیں مانگا. ایک دفعہ مولا کے شدید اصرار پر بار بار فرمایا فاطمہ کسی چیز کی خواہش ہو, تو بار بار علی کے کہنے پر انار مانگا. مولا انار لے کر آ رہے تھے, رستے میں فقیر نے مانگ لیا. مولا نے وہ انار فقیر کو دے دیا. لیکن جب گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ کے سامنے اناروں کا ایک تشت رکھا ہوا تھا. مولا نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا دروازے پہ دستک ہوئی اور آنے والے نے کہا یہ علی نے بھیجا. اب علی بندے نے تو نہیں بھیجا تھا, علی معبود نے بھیجا. کبھی کچھ نہیں مانگا, نہ بابا سے نہ شوہر سے. جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا وہ بھرے دربار میں فدق مانگنے جا رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. نبی کی وصیت تھی فاطمہ میرے بعد تمہیں فدق مانگنا ہوگا. اس کی حکمت کچھ اور ہے, اس میں ایک علیحدہ گفتگو ہے. امام سجاد کا بدن بہت نازنین تھا, ہاتھ پیر بہت نرم تھے, اکثر سفروں سے لوٹتے ہوئے تب بخار ہو جاتا تھا. اور جب امام حسین امام سجاد کے بارے میں کہ سجاد زین العابدین واپس آ گئے تو امام کو پتا ہوتا تھا کہ میرے زین العابدین کو اس وقت تب کی کیفیت ہوگی. آپ کا بدن نازنین اور نازک بہت تھا, سرانے بیٹھ کر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر امام حسین سورہ شفا پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ صرف کربلا میں نہیں ہوا ہے, یہ امام سجاد کا امتحان ہے. جس کے ہاتھ پیر اتنے نرم ہوں گے وہ کوفہ شام بازاروں صحراؤں سے گزرے گا. اجرکم اللہ. عزاداروں آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ آج نو محرم ہے, امام حسین کا امتحان یہ تھا کہ حسین کو بچپن سے ولادت سے پہلے سے امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. مزاج تھا اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا, امام حسین کو پیاس لگتی تھی. میں نے خود یہ مستند روایت پڑھی کہ جناب زہرا
इमाम हुसैन का जनाब जहरा के हमरा होना विलादत से पहले माँ के साथ जो बच्चा होता है, जनाब जहरा के साथ इमाम हुसैन सिर्फ 6 महीने रहे। सिर्फ 2 हस्तियों का जिक्र है, या हजरत याहिया अपने माँ के साथ विलादत से पहले 6 महीने रहे, या इमाम हुसैन अपनी माँ जहरा के साथ सिर्फ 6 महीने रहे। और नबियों में हजरत यहिया और इमामों में हजरत इमाम हुसैन दोनों के गले काटे गए, दोनों के सरों को नेजों पे उठाया गया जी, दोनों को उनके जाहिरी तौर पर उनके दीन वालों ने मारा। हजरत यहिया को भी उनके दीन पर जो लोग थे, किस्सा तवील है, मसाइब का दौरा दिया है, तालिब इल्मों को एक तारीखी हवाला दे रहा हूं, उन्हीं के दीन वालों ने उन्हें मारा। और इमाम हुसैन को भी कलमा पढ़ के मारा, नारे तकबीर लगा के मारा, अजरकुम अल्लाह। अपनी मादरे गिरामी के साथ 6 महीने तक रहे विलादत से पहले। एक दिन जनाब जहरा नबी मुकर्रम की खिदमत में आई, पापा ये जो बच्चा मेरे साथ है ये मुझसे बात करता है, और जो ये बोलता है उसमें एक जुमला बार बार कहता है, अनल अक्षान, मैं प्यासा हूं। तो जनाबे जहरा ये 6 महीने तक कुरहा, कुरान ने कहा है सलासून शहरा, एक मां ऐसी है जिसने 30 महीने अपने बच्चे को अपने साथ रखा है। 30 महीने में 2.5 साल आप दूध के निकाले तो 6 महीने बचते हैं ना। ये आयत जनाबे जहरा और इमाम हुसैन के बारे में, सलासू 30 महीने तक ये बच्चा अपनी मां के साथ रहा, क्योंकि बार बार रोती थी, रोजाना रोती थी, मेरा बच्चा खुद से कहता है मैं प्यासा हूं। तो शायद एक हिकमत ये थी कि इमाम हुसैन 6 महीने के बाद दुनिया में आए। मिंबर का और इमाम हुसैन का अदब माने हैं, असल मजमून आपके हाथ में है। हुसैन को प्यास बहुत लगती थी, जब मौला अली के सर पे जरबत लगी और आखिरी दिन आया आपकी शहादत का, इमाम हसन से फरमाया, आज मेरी सारी बेटियां, दामाद, बेटे, बहुएं, पोता, पोतियां, नवासे, नवासियां मेरे सामने इफ्तार करें। दस्तरखान लगाया गया, मौला बिस्तर शहादत पर हैं। जब दस्तरखान पे सब इफ्तार कर रहे थे तो एक मर्तबा मौला अली की आवाज आई, बेटा हसन मुझे तकिया मुझे लगाओ, मुझे टेक लगाओ, मुझे बिठाओ। इमाम हसन ने बाबा को सहारा दिया, मौला बैठे, फरमाया मेरे सामने खाना और पानी लेकर आओ। मौला के सामने खाना पानी रखा गया तो आवाज दी, हुसैन कहाँ है? तो बराबर से आवाज आई, बाबा मैं आपके बराबर में बैठा, अपने हाथ से लुकमा बनाया, इमाम हुसैन के दहन में रखा, अपने हाथ से पानी पिलाया। अजरकमल अल्लाह, अजरकमल अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। फरमाया तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा लिया था मेरे हुसैन के खाने और पानी का ख्याल रखोगे, मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। सारे घराने को पता था, सब जानते थे, खास तौर पे जनाबे ज़ैनब अपने भाई के पानी का, प्यास का बहुत ख्याल करती थी। अब अगर आप मेरी बात को और मजबूत देखना चाहें तो जब जनाबे अली अकबर से कहा ना अपनी जबान मेरे दहन में दे दो, हजरत अली अकबर ने फरमाया बाबा आप मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। दूसरी दलील दूं, जब जुलजना खबर शहादत लेकर आया तो सकीना बीबी ने कुछ नहीं पूछा कि कैसे मारा, कहां मारा, किसने मारा, बस एक ही तो सवाल किया, या जवाब दो अभी, ए बाबा के बाबा फा घोड़े मुझे इतना बता दे, हल सुखिया अभी हम खुदला चाना,
मेरे बाबा को पानी पिलाकर मारा। امام سجاد نے بھی جب قبر بنائی، امام سجاد نے جب بابا کی قبر بنائی نا، تو قبر کے اوپر یہ نہیں لکھا الذی قتلوا مظلوما، یہ وہ ہے جسے مظلوم مارا، یہ وہ ہے جسے غریب مارا، بلکہ کیا فرمایا الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، گریہ ہو گیا، آج کے حصے کی مجلس ہو گئی، مگر عزاداروں اس عزا خانے کی ایک روایت ہے، چلیے اس ماں کو سلام کریں جو ساری رات جھولا جھولاتی رہی۔ اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں، اللہ آپ کو 9 اور 10 محرم کو خاص توانائی عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ مجالس میں ہم شرکت کر سکیں، گریہ کر سکیں۔ جھولا جھلاتے ہوئے کہتی تھی علی اصغر، تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، کل اپنے بابا پہ کیسے قربان ہو گئے۔ وہ جو جھولا جھلا رہی تھی، اس ماں کو سلام کریں، بڑا جگر تھا جناب رباب کا، بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا۔ میرے ہندوستان کے ایک دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر میں امام بارگاہ سے عاشور کے دن تعزیہ کا جلوس نکلتا ہے، اور وہ بنارس اس شہر کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہم جلوس کے آگے آگے جا رہے تھے تاکہ انتظامات دیکھ سکیں، ابھی جلوس پیچھے تھا تو ایک چوراہے پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں، بڑا مجمع لگا ہوا تھا ایک چوک پر، ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں۔ کہنے لگے جب میں ہم قریب گئے تو ایک بات اور عجیب نظر آئی، ہر گود میں دودھ پیتا بچہ، یعنی صرف دو عورتیں جمع ہوئی بھی تھیں جن کے ہاں شیر خوار بچے ہیں۔ کہنے لگے ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو مولانا کہنے لگے، میں نے ان سے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا کیوں انتظار ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجر و کمال اللہ اجر و کمال اللہ، آپ کے درمیان امام سجاد بھی ہوں گے۔ میں مجلس میں موجود خواتین سے کہوں گا، خاص طور پر ان ایام میں احساس رہے جناب زہرا کی آمد، جناب سکینہ کا حضور ان روحانی مجلسوں میں ممکن ہے۔ اجر و کمال اللہ، کیا حوصلہ ہے اس بی بی کا، جب امام حسین نے صدا استغاثہ کو بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، تو خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ امام نے اپنے گھوڑے کا رخ کچھ قریب، گھوڑے کو کچھ قریب لے گئے خیموں کے، اور لا کے آواز دی، زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ فرمایا بھائی جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو دشمن تو جواب نہیں دیتا، یہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ فرمایا اس کی ماں رباب سے کہو اسے آمادہ کر کے مجھے دے دیں، میں اسے پانی پلا رہا ہوں۔ جناب رباب نے اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا۔ علامہ ذیشان ادر جوادی کہتے ہیں پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا، اگر جنت میں دادی نے پوچھا تیری ماں نے منہ کیوں نہیں کھلایا تو کہہ دینا پلانے کو پانی نہیں تھا۔ یہ ہندوستانی لگو رہ جائے،
امین انیس کہتے ہیں کہ جب امام حسین کی گود میں دیا نا تو امام حسین نے علی اصغر کو مجاہدوں کی طرح بنایا، کمر میں ایک چھوٹا سا پٹکا باندھا، ایک چھوٹا سا رومال باندھا، پیشانی پہ امامہ باندھا، کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو گود میں لیا اور پانی پلانے لے کر گئے۔ سب بچوں کو یہ پتا ہے کہ سب سے چھوٹا بھائی ہے، پہلے علی اصغر کو پانی پلائیں گے پھر اور بچوں کو پلائیں گے۔ امام علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے میدان کربلا میں لے کے گئے ہیں، لیکن کیا ہوا اس بچے کے ساتھ؟ اسے ایک نوجوان کہنے لگا، مولانا میری دادی نے مجھے مچھلی کھانے سے روک دیا۔ کہنے لگی، بیٹا محرم میں ہمارے یہاں مچھلی نہیں کھاتے۔ میں نے کہا، دادی حلال الہی، اللہ کا حلال کیا ہوا حرام کیسے ہو جائے گا؟ میں تو مولانا سے پوچھوں گا۔ دادی راضی ہو گئی کہ جا کے پوچھ کر آؤ۔ مولانا میں مچھلی کھا لوں؟ وہ جب پوچھ رہا تھا تو مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، مگر تم دادی کی بات مان لو۔ اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کو کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ اب یہ روایت میں نے ایک جملے کے لیے آپ کو سنائی کہ جناب سکینہ نے بھائی کو جاتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، بار بار مضطرب ہو رہا تھا بچہ، یہ دیکھا تھا نا۔ اب حسین لاشا لا رہے ہیں، لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، تھکے نہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور بچہ بڑے چین سے بابا کی گود میں سو رہا ہے۔ جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے، خیمے کے در سے در سے پردہ ہٹا، جناب سکینہ نظر آئی، بی بی نے دیکھا کہ بھائی آرام سے بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو وہیں سے دور سے آواز دے کر کہا، بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے؟ مگر جب جناب سکینہ کی آواز بلند ہوئی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب رباب کتنی جلدی دروازے پر آئی ہوگی۔ ایک ماں ہے، ایک ماں ہے، دودھ پیتے بچے کی ماں ہے، یہ مائیں کچھ دیر کو بھی بچہ اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کرتے۔ عجیب غربت ہے، باپ نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے،
और माँ तशिये जनाजा कर रही है। नन्नी सी कब्र खोदी, अली असगर को कब्र के हवाले कर दिया। मजलिस में खवातीन भी आई हुई हैं, तसल्ली हो गई ना जनाबे रबाब को, मेरा बच्चा महफूज हो गया। जब 11 मुहर्रम को सर गिरे गए, अल्लाह तो अली असगर का लाशा ढूंढा गया, नबी ने करबला में नेता छुपाया, एक नन्ना सा लाशा, रबाब ने अपना बच्चा तक पहुंचा, मेरा जिहाद मुझे करने का मौका मिले। घोड़े ने पैर नहीं उठाए। इमाम ने फरमाया, जितना मैं प्यासा हूं इतना तू भी प्यासा है, बस ये आखिरी जहमत है। घोड़े ने इशारा किया, हुसैन ने झुक कर देखा, सकीना पैर पकड़े बैठी। बाबा के घोड़े आपकी बच्चियों का साथ रखे। उतरे घोड़े के पुश्ते, बीवी को गोद में लिया, सकीना तुमने तो हमें रुख्सत दे दी थी। कैसे सकीना से इमाम ने रुख्सत ली थी, इसका बयान बहुत मुश्किल था। तुमने तो हमें रुख्सत दे दी थी बाबा, एक मर्तबा और गले लगाए। बाबा ये भी बताया मैं कहां सोऊंगी, महसूस हुआ जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। अभी हुसैन मौला का घोड़ा आगे जा रहा था, कुछ आगे गए थे कि महसूस हुआ जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। हुसैन ने पुश्ते फरस से मुड़कर देखा तो बहन ज़ैनब दौड़ती है और आवाज दे रही है, महलन महला या बनैया, महलन महला या अपने सहरा, ऐ मेरे माँ जाए आखिर आस आहिस्ता जाओ। हुसैन घोड़े से उतरे, बहन से कुछ देर गुफ्तगू की, मैदान करबला में पहुंचे। इमाम ने रजस पढ़ा, दुश्मन को मुकाबले की दावत दी, आवाज दी कि अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के अलावा बचने वाला नहीं है तो तलवार आओ मेरे टुकड़े करो, नेजे भाले बरछियों आओ मेरे बदन को छलनी करो। ये कहकर इमाम ने तलवार खींची, हमला करो। उधर हुसैन मैदान करबला में दुश्मन का जवाब दे रहे हैं और जवाब का अंदाज ये है कि कभी बर्फ की मानिंद बिला तशबी मैं मने में चले जाते हैं, कभी बिला तशबी बर्फ की मानिंद मैं सने में चले जाते हैं, कभी कल में लश्कर में आ जाते हैं। और तीनों लश्करों को हुसैन ने मखलूत कर दिया और सिपाही एक दूसरे पे तलवारें चलाने लगे। और हुसैन का जलाल ऐसा था कि हर सिपाही को हर सिम से हुसैन आते नजर आते थे, यानी वो भाग कर आता था कि यहां हुसैन है तो सामने नजर आते थे। ये कैफियत थी लश्कर यजीदी पर, अलअमान अलअमान बचाओ हुसैन हमें मार देगा। ये कैफियत इमाम हुसैन की जब बनी ना करबला के मैदान में,
तो खुद को घोड़े पे खड़ा किया, इमाम घोड़े की पूंछ पे खड़े हो गए और फिर नहर की तरफ रुक करके कहा, अब्बास अपने अकेले भाई की जगह देखो, सफर पर था, कूफे में दाखिल हुआ, कूफे के बाजार बंद है, दुकानें बंद है, चहल पहल नहीं है, कोई मर्द नजर नहीं आता। ये सोचता हुआ घर में दाखिल हुआ कि क्या कूफे में कोई ताबून आ गया, ये कूफे वाले कहां चले गए। तसल्ली कीजिएगा, मैं मसाइब का एक मंजिल और ले रहा हूं। घर में दाखिल हुआ तो बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया, कहा बाबा कूफे वाले सब जा चुके हैं, आप भी जल्दी दोबारा घोड़ा तैयार कीजिए। कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे कर्बला कहते हैं, वहां एक बागी ने खुरूज किया है, हाकिम का ऐलान है अगर कोई उसे मारने न गया तो सजा दी जाएगी। बाबा कहीं मुखबरी ना हो जाए कि आप कूफे में ही थे, जल्दी जाइए बागी को मारने के लिए, अपना हिस्सा डालिए। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी कहता है, मैंने बेटी से पूछा उस बागी का नाम क्या है, कहा बाबा नाम नहीं बताया जा रहा, बस इतना कहा गया है कि बागी को मारना है, बाबा जल्दी जाइए। अब्दुल्ला कहता है मैंने घोड़ा फिर तैयार किया, कुछ ही देर में बैठ रहा था तो बेटी ने रुख्सत करते हुए कहा बाबा जंग पर जा रहे हैं, जंगों में माले गनीमत भी मिलता है, अगर हो सके तो अकीकी यमनी मेरे लिए अकीकी यमनी ले आइएगा, मैं अपने गले का हार बनाना चाहती हूँ, जेवर बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैं कूफा से कर्बला पहुंचा तो असर आशूर का वक्त था, मैंने अजीब मंजर देखा, एक 56 साल बूढ़ा जख्मी जिसका अमामा खोल के उसकी गर्दन में आ गया है और हजारों का लश्कर उसे मारना चाहता है और उसका जलाल ऐसा है कि वो जहां जहां रुख मोड़ता है फौजी वहां से भागने लगती है। मैंने भागते हुए सिपाहियों को रोका, तुम एक आदमी से डरते क्यों हो, तो कहने लगे तुम्हें नहीं पता ये एक लश्कर है। कहता है मुझे बस इतना पता था कि इसे मार दूंगा तो जंग ठंडी पड़ जाएगी। अब्दुल्ला कहता है मैंने कमीन गाहों को लिया और उनके घोड़े के कुछ करीब आ गया, इतना करीब आ गया था कि मेरा घोड़ा जस्त ले तो मैं तलवार चलाऊं और उनका सर उतार दूं। कहता है मैंने तलवार खींच के इरादा किया तो उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और कहा अब्दुल्ला करीब आओ। कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये मेरे नाम से कैसे जानते हैं, ये कौन है जो मुझे नाम से पुकार रहा है। मैं घबरा के रुका तो उनकी आवाज आई अब्दुल्ला जल्दी आओ, हाथ से अंगूठी उतारी और कहा ये अतीजे यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना और कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हूं।
कहा बाके
बला में तुझे मारा हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन देखा
السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك शुरू होगी और इससे भी अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब खुदा फरमाएंगे आप।